हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक ये है, जिस पर्सन को आप बहुत मिस करते हो, बहुत प्यार करते हो और अपना पुराना पास्ट याद करके आपकी आंखों में पानी भी आता है, तो मैं कहूँगी आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या दूरियां नजदीकियां में बनेंगी? जी हाँ, दूरियां नजदीकियां बन गई, कहो क्या बात है। जी हाँ, वो जो अब दूरियां हुई हैं वो नजदीकियां बनेंगी। आपके पर्सन के साथ जो आपने पुराना टाइम बताया है, क्या वो फिर आएगा? अपना वही प्यार मोहब्बत, डेट शेट, हंसना बोलना, लड़ाई झगड़ा, नोक जोक, ही शी सेम जेंडर, सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालते हैं। लीजिए, जहाँ दूरियां नजदीकियां, डेथ का कार्ड आ गया है, मेजर अर्कान। लीजिए, वाओ गाइस, ये आया है मेरे मनपसंद का और आपके मनपसंद का कार्ड। लीजिए, 10 ऑफ चैरियट के बाद आया 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स, चलिए तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े प्यार से सनम। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया 9 ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल का कार्ड। लीजिए, एस ऑफ कप्स भी आ गए। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक है, आप जिस जुदाई को झेल रहे हो, जो जुदाई आपको खटकती है, आपके पर्सन की बार बार याद दिलाती है, जब रात को अकेले होते हो, उनके बारे में सोचते हो, आपकी आंखों में भी पानी आता होगा, सोचते होंगे कि क्या वो पुराने दिन लौट आए। तो आज की रीडिंग वही है कि आज आपके पुराने दिन फिर वो लौट के आएंगे। गाइस, वो कहने की बात है, कोई गया वक्त दोबारा नहीं आता, पर ये भी हो सकता है अगर लक अपना साथ दे तो आने वाला वक्त पिछले वक्त से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आया डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि आपका जो रिश्ता है, जिसके लिए आप परेशान हो, जिसको आप बराबर बराबर ख़त्म सा समझते हो, मनमुटाव है चाहे कुछ भी है, उसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हो, उस रिश्ते में थोड़ा सा पास्ट में जागते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट थे, आप भी उनके लिए बहुत थे, एक दूसरों की स्टार्टिंग में आपका रिश्ता शुरू हुआ एक दूसरे से आकर्षित होके, और चीज़ें आगे गई, रिलेशनशिप में आए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ऐसा लगता है पीठ पीछे वार किया, यानी कि चीट किया, आपके रिश्ते की कदर नहीं करी, आपके रिलेशनशिप की कदर नहीं करी, और आपको क्या ऐसे बस निकाल दिया जैसे पानी में से, दूध में से मक्खी। तो वो ये मैं कह सकती हूँ गाइस, आपके जो पर्सन हैं ऐसे हैं कि ये रिश्ते को सीरियस, इन्होंने कभी अपनी रिलेशनशिप को सीरियस लिया ही नहीं, भले ही ये आपसे मतलब
जितना मर्जी आपको लगता था, एक वो अट्रैक्शन ज़्यादा था, लेकिन इनके मन में प्यार नहीं था। इनका अट्रैक्शन से आप इनके साथ डे बाय डे ज़्यादा जुड़ते गए, और आप जैसे जुड़ते रहे ये डे बाय डे थोड़े कम होते रहे। आपको लगा कि ये मेरे से रिश्ता छूट ना जाए, पर इंसान का नेचर और इंसान की हरकत उससे नहीं बदलती। आपके पर्सन जो थे इस रिलेशनशिप के इतने इतने सीरियस नहीं थे जितने आप थे, इसलिए आपके पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, क्योंकि वे इतने सीरियस नहीं थे। और रिश्तों में टेंशनें ज़्यादा थी, और वो नहीं चाहते थे कि एक सीरियस रिलेशनशिप चले। वो चाहते हैं हंसो खेलो बोलो बस, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ कमिटमेंट ना मांगो, कोई चीज़ें आगे ले जाने की बात ना करो, कोई फैमिली फाइनेंस मैरिज वैरिज इन चीज़ों की बातें मत करो, क्योंकि उनका जो आपके पर्सन की ये फाइव ऑफ सूट्स बताता है कि आपके पर्सन का जो रहन सहन है, आसपास का माहौल है, जो बचपन इनका बीता है, ऐसे लोगों के बीच में बीता है जो लोग सिर्फ पैसा मतलबी टाइम पास इन चीज़ों के साथ कनेक्शन रखते हैं, जिनके लिए जो तब सीरियस होते हैं जब उनके खुद चोट लगती है। अदरवाइज उनके लिए सामने किसी का खून भी हो जाए तो वो सीरियस नहीं होते। ऐसे पर्सन आपके पर्सन का ऐसे लोगों के बीच में पालन पोषण हुआ है, इनकी परवरिश ऐसे लोगों में हुई है, तो इनको उस परवरिश का असर है। जैसे में पलता है इंसान, वैसे में बड़ा होता है, और वैसे जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो इनकी परवरिश ऐसे पालन पोषण हुई है कि ये किसी चीज़ को, रिलेशनशिप को, लव को, प्यार को, मोहब्बत को, कमिटमेंट को, इनके लिए ज़्यादा खींचने वाली बात है। जो हो गया सो हो गया, ज़्यादा मत किसी चीज़ के लिए भागो। जैसे ही आपने इन चीज़ों की डिमांड करी तो क्या हो गया कि उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी, उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी, और आपको दुखी करके वो आपकी लाइफ से चले गए। आपको दुखी करके जब आप उनकी लाइफ से चले गए, जब वो चले गए, आप दोनों अलग हो गए, रिश्ता हो गया ख़त्म जैसा, और आप बैठे हो, आप कैसे बैठे हो, दुखी हो गए। आपकी एनर्जी ऐसी है इस टाइम, आपके पास भगवान का दिया अगर सब कुछ है तो वो पर्सन नहीं है, तो आपके पास वो पर्सन नहीं है, तो आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। कहीं फंक्शन में जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, जहाँ अपने जैसा जो कपल देखते हो, अपने जैसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखते हो, तो आपको अपने पर्सन का ध्यान आता है। तो आपको अपने आसपास चाहे सोना भी पड़ा रहे, आपके लिए वही लोहा हो रखा है, और आप इतना दुखी रहते हो कि आपकी एनर्जी खूब रोने धोने वाली आई है यहाँ। आप बहुत परेशान रहते हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों ज़्यादा दुखी होने की वजह से मेडिसिन, जिनको मेडिसिन का रात को सोते हुए यूज करते हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हिम्मत, दुख आज किसी को भी पूछो, पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। किसी के पास मनी का दुख, किसी के पास रिलेशनशिप का, कोई फाइनेंस से, कोई फैमिली से, लेकिन ये है कि हमें, कोई भी इंसान हो, हमें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि हम जो लोग इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, वो अपने दिल पे चीज़ें लगा लेते हैं। ऐसे ही आपने दिल पे चीज़ें लगाई और आपको लगता है कि पर्सन धोखा दे के गए, तो गाइज ये गलत नहीं लगता, धोखा तो उन्होंने दिया है। जो चीज़ नहीं करनी हो, नहीं होनी हो, अगर पता हो सामने वाला जो इंसान है इमोशनल है, अटैच हो रहा है, तो इन चीज़ों की रिश्ता शुरू होने करने से पहले क्लैरिटी दे देनी चाहिए कि हम इस तरह के हैं। उस टाइम ये पर्सन वादे कस्मे कर देते हैं, उसके बाद अपनी फैमिली का ड्रामा बता देंगे, कुछ बता के आप लोगों से अलग हो गए। लेकिन इस टाइम इनकी भी जो कंडीशन है, इनकी कंडीशन जो है सही नहीं है। इनकी कंडीशन ऐसी है जैसे ये आपकी है,
क्यों क्यों आप इनकी लाइफ में चले गए, हंसने खेलते थे आपके साथ, बातें करते थे आपके साथ, बहाना इन्होंने फैमिली का लगाया, लेकिन गलतियां इनकी खुद की थी। एक्सक्यूज आपको कई दिए होंगे, कास्ट का दिया होगा, फाइनेंस का दिया होगा, हेल्थ का दिया होगा, नाम का दिया होगा, कई बहाने बनाए होंगे, लेकिन 100 में से 70% 75% इनमें ही कमियां थी। और रिश्ता ख़त्म हो गया, आज इनकी भी हालत आपके जैसी है, जैसे आप दुखी हो ऐसे इनकी कंडीशन है। क्यों कंडीशन है? क्योंकि कर्मा कहीं ना कहीं भुगतना है। एक इंसान हमारे साथ जुड़ता है, हमारी फाइनेंस में ग्रोथ होती है, हमारे घर में ग्रोथ होती है, हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, तो जैसे ही हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है तो सबसे पहले अगर हम उसको भूलते हैं, तो कोई भी बंदा है उसको फिर करना भूलना है। जिस किसी की आंखों में आंसू दो तो अपनी आंखों में तो आने ही आने हैं। कोई कितना मर्जी कह ले कि नहीं मैं रोने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, पर तब भी आंखों में आंसू आने ही आने हैं। तो ऐसे है इनको अपने, ये कार्मिक कनेक्शन है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, और कार्मिक कनेक्शन के अगर आप अपना भुगत रहे हो तो ये अपना उससे भी ज़्यादा भुगत रहे हैं। अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं उस दिन को, जिस दिन इन्होंने आपके साथ आपको छोड़ा था। और आज भी इनकी फुल ऑफ एनर्जी ऐसी आई है कि इनकी फैमिली अभी भी इन पे डंडा लेके, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, इनके पास नेगेटिविटी अभी बहुत है, नेगेटिविटी अभी भी इनके पास है, लेकिन इन्होंने अब थोड़ा सा अपने आप को चेंज करा है, चेंज करने की कोशिश करी है। गाइस, डेथ का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो क्या ये बताता है? डेथ का कार्ड बताता है अगर सूरज डूबता है तो सूरज निकलता है। अगर कोई इंसान दुनिया से जाता है तो वो फैमिली के लिए जाता है, लेकिन धरती पे किसी ना किसी रूप में फिर दोबारा आता है। तो ऐसे ही अगर कोई रिश्ता मरता है तो वो दोबारा जी भी सकता है, क्योंकि ये तो रिश्ते हैं। सूरज डूबता है तो निकलता भी है, तो रिश्ते की शुरुआत आपकी होनी ही है, दोबारा रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन होना है। और एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आप अगर इमोशनल अटैच हो, आप उनके साथ लिए मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके रिश्ते की शुरुआत जो है होनी ही होनी है, भले ही आप वो सामने वाले आसपास वाले उनके कितने मर्जी रास्ते को बंद कर दे, रिश्ते की शुरुआत होनी होनी है, क्योंकि ईश्वर ने आपके पर्सन में डाल दी है गुड वाइब्स। भले ही नेगेटिविटी कितनी है, लेकिन अब वो आपके बारे में सोचने लगे हैं कुछ करने के लिए। उनको अब इन चीज़ों की समझ आ गई है, जो मैंने अकड़ में, घमंड में, अच्छा बुरा सोचे बगैर एक इंसान को दुख दिया, कलपाया, रुलाया, जुदाई दी, बेवफाई दी, तन्हाई दी, उसका मुझे कर्मा मिल गया है, और ये गलत था। इसी चीज़ को होके वो तन के बुल्ड होके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड क्या दिखाता है गाइस? एक्शन दिखाता है, आपकी तरफ आने वाले हैं और आपको प्रपोज करने वाले हैं, और आपकी चीज़ें अगर मैरिज, लिविंग, जो भी कमिटमेंट आपने उस टाइम मांगा होगा वो पूरी होने वाली है। यहाँ ये पता चलता है दो कार्डों से, कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है और कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। जैसे कि ये रीडिंग जर्नल है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ सारी चीज़ें सही हो, ये आपने देखना होता है कि कौन सी चीज़ कितनी रेजोनेट हो रही है, लेकिन आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। कुछ का कार्मिक है, कुछ का ट्विन फ्लेम है, और आपके प्रपोज करके चीज़ें मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन बॉटम जो आया है, बॉटम ये बताता है कि उनके आसपास अभी भी नेगेटिविटी है, पर ज़्यादा नहीं है, ये निकलेगी निकलेगी, क्योंकि नीचे है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिएगा एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बताता है कि शुरुआत होनी होनी है। एस ऑफ कप्स भी आ गया और पीछे मैरिज का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि आपकी चीज़ें वाकई मैरिज में, मैरिज तक जाएगी। अब निकालते हैं हम थोड़ा सा टाइम कि पर्सन आपके कब तक आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स जो अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, पर्सन के लिए परेशान रहते हैं, उनकी ये दूरियां कब खत्म होंगी? तीन कार्ड निकाले मैंने गाइस टाइम के लिए, ये देखिए एक ये निकाला है, एक ये निकाला है और एक ये निकाला है। गाइड डेढ़ से दो साल का बीच का समय लग सकता है, डेढ़ से दो साल का बीच का समय लग सकता है आपके पर्सन का। स्टार्टिंग में आपकी शुरुआत होगी, स्लोली स्लोली आगे चलेंगे और आगे जाके आपका जो रिश्ता है ग्रोथ करने लगेगा, यानी कि चीज़ें जो है सेटलमेंट जैसी आप चाहते हो। स्टार्टिंग में अच्छी शुरुआत होगी, बीच में फिर थोड़ा स्लो होगा, फिर सेटलमेंट हो जाएगी। डेढ़ से दो साल का टाइम लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो, उनका तो निकाल दिया, अब एक कार्ड आपके लिए भी बनता है। जब आप इतनी मेहनत करके मेरी रीडिंग देखते हो, मैं नहीं चाहती कि आप दुखी होकर उठो, कुछ ना कुछ एडवाइस आपको भी बनती है। निकालते हैं डिवाइन मेरे व्यूअर के लिए क्या संदेश है। देखिए गाइज आपके लिए ये संदेश है कि अगर आप नेगेटिविटी में गिरे हुए हो तो पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ, यानी कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, प्रैक्टिकल रहो और सबसे आखिर की बात सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करो। सेल्फ लव करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे तो ये क्या कोई भी रिश्ता आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर लिमिट से ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो उससे चीज़ें जो है डगमगाने लगती है। ये मेरी एडवाइस अपनी तरफ से है, लेकिन सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें करोगे तो अपने आप चीज़ें सही होनी शुरू होगी। तो ये थी रीडिंग, आपकी दूरियां जो है नज़दीकियों में बदलेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं आपका। मैं प्रैक्टिकल बनना चाहिए आपको, लेकिन ये है कि आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आएंगे चीज़ें आगे जाएगी। तो ये थी रीडिंग आपकी, जिसका टाइटल था कि आपकी दूरियां नज़दीकियां में कब बदलेगी। तो वो बदलेंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग इतने प्योर हो, इतने प्यारे हो, मैनिफेस्ट करते हो, ईश्वर आपके साथ अन्याय करे। तो अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो।